मंगो मठ गुरुद्वारा जगन्नाथपुरी उड़ीसा। मंगो मठ गुरुद्वारा जगन्नाथपुरी मंदिर के पास गुरुओं की यात्रा की याद में बनाया गया। समुद्र के किनारे पानी का एक कुआं है। इस कुएं के पानी का उपयोग गुरु नानक देव जी ने अपने प्रवास के दौरान किया था। ये एकमात्र कुआं है जिसका पानी मीठा और स्वादिष्ट है। मंगो मठ गुरुद्वारा जगन्नाथ मंदिर संग्रहालय में तार के पत्तों पर लिखी एक पांडुलिपि है। जब GNDU में गुरु नानक अध्ययन विभाग के प्रोफेसर श्री रघुवीर सिंह ताक ने उड़िया में लिखे इस दस्तावेज का अध्ययन किया तो हैरत में आ गए। इस दुर्लभ पांडुलिपि में चैतन्य महाप्रभु और श्री गुरु नानक देव जी की पूरी यात्रा का अद्भुत संस्मरण लिखा हुआ था। जगन्नाथ मंदिर संग्रहालय पुरी में संरक्षित इस तारपत्र उड़िया पांडुलिपि का शीर्षक है भक्त पंचक अर्थात पांच भक्त। संग्रहालय के क्यूरेटर श्री सदाशिवरत शर्मा के अनुसार ये पांडुलिपि 1504 से 1534 के बीच शिशु मठ पुरी के जसोबंद दास द्वारा लिखी गई थी। उस समय पुरी के शासक राजा प्रताप रुद्रदेव थे। पांडुलिपि में जिन पांच संतों के पुरी प्रवास का वर्णन है वे हैं चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ दास, अच्युत्यानंद दास, नानक देव जी और सी सुंद दास। पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर कविता की पांच पंक्तियां हैं। पांडुलिपि के पृष्ठ क्रमांक 14 पर गुरु नानक देव जी का वर्णन इस प्रकार है। पुरी के राजा प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल के 13वें वर्ष में गुरु नानक देव जी मर्दाना और 14 अन्य सन्यासियों के साथ भादो शुक्ल एकादशी साल 924 के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। उनकी पोशाक से गुरु नानक जी को एक खलीफा समझ लिया गया और उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। गुरु नानक देव जी सन्यासियों के साथ समुद्र के किनारे चले गए और वहीं पर उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। उस रात पुरी के राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि मंदिर में नियमित होने वाली आरती बंद कर दी जाए क्योंकि मैं उस समय वहां नहीं होता, समुद्र किनारे गुरु नानक देव जी के भजन सुन रहा होता हूँ। आश्चर्यचकित राजा समुद्र किनारे पहुँचे और देखा कि गुरु नानक देव जी भजन गा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा वहाँ खड़े हैं। राजा ने गुरु नानक देव जी से क्षमा याचना की, उन्हें कपड़े और गहने अर्पित किए तथा गाजे बाजे के साथ शाही जुलूस में उन्हें जगन्नाथ मंदिर लेकर पहुँचे। मंदिर के दर्शनों के बाद गुरु नानक देव जी मंदिर के सामने स्थित एक बरगद के पेड़ के पास बैठकर उपदेश देने लगे। उस स्थान पर आज मंगो मठ स्थित है जिसके लाल झंडे पर उनकी स्मृति में सफ़ेद हथेली का प्रतीक चिन्ह है। गुरु नानक देव जी 24 दिन पुरी रुके। जब वे विदा हुए तब भी राजा ने उन्हें पुरी से लगभग 23 मील की दूरी पर स्थित चंडी नाला जाकर प्रभावशाली विदाई दी। वाहे गुरु वाहे।